वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ट्रायंगल होती है 90 डिग्री का उसका एंगल होता है और ये यहाँ पर कोई भी एंगल बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके पैरेलल भी हम एक लाइन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जो यहाँ पर एंगल बनते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो एंगल ऊपर से बनते हैं ना, यानी ये लाइन इसके पैरेलल रहती है, वैसे भी इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स कोई भी हाइट जो होती है ना किसी भी चीज की, जैसे कोई ट्री है, कोई हिल है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, कोई विंडो है, या कोई कुछ भी, मतलब जैसे कोई मैन है, कोई हमारी जैसे कि ये मतलब शिप्स वगैरह होती हैं या कुछ भी है ना, तो उनकी सबकी हाइट जो होती है ना परपेंडिकुलर जो होता है अर्थ के परपेंडिकुलर काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको ऑलवेज बेस की तरह से यूज किया जाएगा, ये हमारा हाइट और ये हमारा मतलब हाइपोटेनियस की तरह से काम करेगा। इसके अंदर जो यूज किया जाएगा ना, वो मैंने आपको पहले भी सिखाया है एट चैप्टर में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोट थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूले के मुताबिक काम किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि जैसे कोई पतंग है, काइट है, वो क्या कर रहा है, पतंग काइट वगैरह जैसे यहां से किसी ने मतलब जैसे इस तरह से उड़ रहा है, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ थ्रेड फाइंड कीजिए, लेंथ ऑफ थ्रेड फाइंड कीजिए, यदि उसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है ना ग्राउंड से, वो मान लीजिए 50 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी साइड आपको फाइंड करनी है ना, तो क्या किया जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जिसके अंदर जो फाइंड करना है वो डिवाइड बाय जो गिवन साइड है वो, तो ये हमारा किसका काम कर रही है स्टूडेंट्स, यह हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रही है, यानी h बाय पी यहां पर यानी कि नीचे वाली लाइन में फर्स्ट कोसेकेंट विद दिस एंगल कोसेकेंट, और यहां पर एक एंगल आपको गिवन होगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कोई भी हो सकता है, तो ये 30 डिग्री है जैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, एसी इज इक्वल टू 50 उधर जाकर मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू होती है तो 100 सेंटीमीटर जो भी है, मीटर वगैरह सेंटीमीटर जो भी है, वो हमारा इसके अंदर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अभी हम बात करते हैं कि जैसे ये साइड फाइंड करनी है, तो ये साइड भी आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, जिसके अंदर बीसी डिवाइड बाय गिवन साइड इज इक्वल टू बी बाय पी। बी बाय पी क्या होता है स्टूडेंट्स? कोट, और कोट 30, कोट 30 डिग्री, तो अब BC इज इक्वल टू 50 उधर जाकर मल्टीप्लाई में, कोट 30 की वैल्यू रूट 3 होती है, 50 रूट 3 मीटर जो है ना वो क्या आ जाएगा, हमारा बेस आ जाएगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन में और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टू साइड्स गिवन हो, क्या हो, टू साइड्स गिवन हो हमारी, जैसे कि मान लीजिए ये बात कर लेते हैं, ये 30 है मान लीजिए, ठीक है, और ये 60 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल्स यदि अपने को फाइंड करने हैं तो हम 30 डिवाइड बाय 60, तो ये पी बाय एच हमारा हुआ, तो पी बाय एच क्या होता है स्टूडेंट्स, पी बाय एच यहाँ पे देखिए साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा सोल्व किया 1/2 साइन किस पे होता है स्टूडेंट्स, साइन 30 डिग्री पे इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यार कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और जब एंगल 45 होता है ना, उस टाइम पे कोई भी जैसे हाइट है उसकी जो शेडो होती है ना वो इक्वल हो जाती है, कब, जब एंगल 45 होता है, यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिस टाइम पे किसी चीज की हाइट उसकी शेडो के इक्वल हो तो एंगल कितने डिग्री का होता है, 45 का होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब इक्वल है तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स है स्टूडेंट्स, एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पी बाय बी टेंजेंट थीटा, और ये कैंसिल हो गया 1, ये टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू
टेंजेंट थीटा दे आर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसके अंदर लगभग 7 और 8 क्वेश्चन जो इन द सिंगल ट्रायंगल्स हैं वो आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।